पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी रायपुर के शासकीय भीमराव अंबेडकर अस्पताल में सीबीआई ने दबिश दी है और आपको बता दें कि लगातार पूछताछ जारी है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सीबीआई की टीम ने लगभग एक घंटे तक अंबेडकर अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन से अस्पताल में साथ ही कुछ बड़े डॉक्टर्स के बारे में पूछताछ की है और इसमें कई मुद्दों को लेकर पूछताछ किया जाना बताया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। बताया यह भी जा रहा है कि अस्पताल में उपकरणों की खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत सीबीआई से की गई थी और आने वाले समय में उपकरण खरीदी के मामले में बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। तो अंबेडकर अस्पताल पर दबिश है सीबीआई की टीम की और उपकरण खरीदी में गड़बड़ी की आशंका के चलते लगातार पूछताछ जारी है। और रायपुर से हमारे साथ अलीशा जुड़ रही है, हमारे संवाददाता अलीशा, जिस प्रकार से अंबेडकर अस्पताल शासकीय अस्पताल है जहां पर मशीनों में खरीदी की गड़बड़ी पाई गई है जिसके चलते सीबीआई की टीम ने दबिश दी है, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट पूरे मामले में? जी, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम जो है वो अंबेडकर अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर उनकी टीम की जांच चल रही है और वहीं अधीक्षक के कमरे में उन्होंने कई दस्तावेज मंगाले। दरअसल जो सीबीआई टीम की जांच है वो एक बड़ा मामला ये भी है कि वहां पर ये 2013 का मामला है जब 4 मरीज गंभीर हालत में सीबीआई अस्पताल में पहुंचे और उन्हें एक गोली लगी थी और अगले ही दिन वो वहां से चले गए, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। और उस पूरे मामले में जो अस्पताल के अधीक्षक है उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और उसके साथ ही अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए टीएस सिंहदेव ने बताया, मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये जो मामला है वो 2013 का है जब 4 मरीज संदिग्ध हालत में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे, उनमें से कुछ को हाथ में गोली लगी थी और कुछ को सीने में गोली लगी थी और उसके साथ ही एक मरीज जो है वो वहां भर्ती हुआ था पर अगले ही दिन वो वहां से चला गया और उस मरीज की पहचान नहीं हो सकी है। और अब ये कहा जा रहा है कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अब ये सवाल होता है कि वो मरीज आखिर कौन था, क्या वो नक्सली था या कौन था, इस मामले की ही जो जांच है वो सीबीआई द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल अलीशा, डॉक्टर विनीत जैन की अगर बात की जाए, अधीक्षक है वहां के, तमाम बड़े डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है, आखिर क्यों नहीं सीबीआई के तमाम सवालों के जवाब वो सीधे तरीके से दे रहे हैं? क्या वाकई वहां कोई इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है कि सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा? कौन सी ऐसी बात है जिसको छुपाने की कोशिश लगातार तमाम डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है? जी, ये मामला सिर्फ एक ही नहीं कहा जा सकता, कुछ मशीनों की भी गड़बड़ी है और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी जो डॉक्टर है वो जवाब नहीं दे पा रहे और साफ साफ नजर आ रहा है कि गलतियां जो है वो डॉक्टरों से हुई है और इसी वजह से जो अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर विनीत जैन, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। चलिए, डॉक्टर विनीत जैन चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन लगातार सीबीआई की दबिश और तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है। लीशा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल, जो कि रायपुर का एक जाना माना अस्पताल है, जहां पर गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि उपकरण खरीदी के साथ साथ तमाम कुछ ऐसी गड़बड़ी की आशंका जिसके चलते सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले में सफाई पेश की है।